Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Thank you so much for loving my recent golden tips for brides video. मैंने recently upload करी थी, उसमें इतना प्यार आपने दिया है. मैंने उसमें जितना हो सकता था उतना ज्ञान डाला था for all my bride to be जिनकी शादी होने वाली है, related to shopping, लहंगा, outfit. बहुत छोटी-छोटी चीजें जो हम नहीं ध्यान में देते, वैसे ही brides को इतनी टेंशन होती है अपनी शादी की, तो काफी चीजें नजरअंदाज हो जाती है. तो उस वीडियो में मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि इन इन चीजों का ध्यान रखना. उस वीडियो पे ही डिमांड आई थी कि प्लीज एक अलग से वीडियो बनाओ जिसमें आप स्किन केयर और ब्यूटी टिप्स दो. देखो, मैं कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन नहीं करने वाली, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं पहली बता देती हूँ. कोई ब्रांड प्रमोशन, कोई इंटीग्रेशन, कुछ नहीं है. 100% ऑर्गेनिक कंटेंट. जस्ट इन केस यू आर ब्राइड टू बी या फिर आपकी फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव ब्राइड टू बी है, ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज आज की वीडियो में स्किन केयर ब्यूटी के गोल्डन टिप्स मिलने वाले हैं फॉर ऑल माई ब्राइड्स. विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. उससे पहले आपको पता है यू हैव टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द लाइक बटन एज वेल, बिकॉज आई नो यू विल लव माई वीडियो. काफी अच्छे से मैंने नोट्स बनाए इस वीडियो के, सो आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस टॉपिक. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. ब्राइड टू बी स्किन केयर टिप नंबर वन, फॉलो अ वेरी बेसिक रूटीन. आपको कोई भी कुछ भी बोले कि यार ये लगा ले, मैंने ये लगाया था, मेरी स्किन क्लीन हो गई थी, मैंने ये लगाया था, अगर लगाना ही चाहते हो तो पहले उसका पैच टेस्ट करके देख लो, महीने पहले उसको ट्राई करके देख लो. लेकिन शादी से एक हफ्ता पहले कोई नया रूटीन मत स्टार्ट कर देना. ये मत सोचना अच्छा शादी मेरी नेक्स्ट वीक है, मैं कुछ ऐसा लगा लेती हूँ कि मेरी स्किन एक्सफोलिएट हो जाए, क्लीन हो जाए. वैसे भी जो अभी सीजन आता ना शादी का, वो ऐसे वेदर में आता है कि हमारी स्किन हल्की हल्की ड्राई होनी शुरू हो जाती है. तो एक्सट्रीमली ओवर एक्सफोलिएशन नहीं करनी. अगर आप कुछ भी एक्सफोलिएटिंग स्क्रब यूज करते हो, स्क्रब्स ना ही यूज करो तो अच्छा है, केमिकल एक्सफोलिएटर्स बेटर रहते हैं. अगर आप कोई भी तरह का ग्लाइकोलिक AHA BHA एक्सफोलिएटर भी यूज करो, उसको भी थोड़ा थोड़ा कम कर दो, बिकॉज अभी विंटर्स आते आते अगर आपने ओवर एक्सफोलिएशन कर दी शादी वाले दिन, आपकी स्किन क्रैक हो सकती है, ड्राई पैचेस पड़ सकते हैं. सो एक सिंपल रूटीन फॉलो करो विच इज CMS, क्लेंस करना है स्किन को, मॉइस्चराइज करना और सनस्क्रीन लगानी है, बस. इसके अलावा फालतू एक्सपेरिमेंटेशन मत करना. आपकी डर्मेट ने जो भी आपको बताया है रूटीन, आप वो अच्छे से फॉलो करना. स्किन केयर टिप नंबर टू, SPF इज अ मस्ट. और ऐसा नहीं कि घर से सनस्क्रीन लगा के चले गए, कहीं चांदनी चौक मार्केट्स में जा रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक एक ही सनस्क्रीन लगा के घूम रहे हो ये सोच के कि अच्छा मेरी स्किन सन प्रोटेक्टेड है. ऐसा नहीं है, 2 या 3 घंटे में वो सनस्क्रीन भी बिल्कुल वैनिश हो जाएगी, वो इफेक्टिव नहीं होगी. तो अपने साथ अपने शॉपिंग वाले बैग में या तो एक सनस्टिक कैरी करो या फिर एक स्प्रे कैरी करो. स्प्रे और अच्छा है बॉडी पे भी आप लगा सकते हो अगर आपको लगता है टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, बिकॉज शादी वाले दिन हमें खाली फेस पे फोकस नहीं करना, अपने हाथों की बैक की टैनिंग पे भी फोकस करना है. तो एक स्प्रे भी कैरी करो. मैं आपको 2 प्रोडक्ट्स रेकमेंड करना चाहती हूँ यहाँ पे जो मुझे पर्सनली बहुत ब्यूटीफुली सूट कर रहे हैं. सबसे पहला तो ये सनकी का स्प्रे है जो मैंने जस्ट अभी एक PR अनबॉक्सिंग में भी दिखाया था, बहुत अच्छा स्प्रे है, ये आप ले सकते हो. दूसरा रिकमेंडेशन है ये डॉट एंड की सनस्टिक, ये डूई वाली सनस्टिक है, ये भी मेरी एक्ने प्रोन स्किन पे बहुत अच्छे सूट हो रही है. तो ये दोनों चीजें आप रख सकते हो, स्प्रे आप बॉडी पे लगा सकते हो और सनस्टिक जो है वो आप फेस पे लगा सकते हो. मेक श्योर आप कॉन्स्टेंटली इसको रीअप्लाई करते रहो ताकि कम से कम आपको टैनिंग हो, एक्ने मार्क्स आपके ज्यादा वर्स ना हो. टिप नंबर 3 इज मोर लाइक अ मिस्टेक जो मैंने अपने टाइम पे करी थी और स्पेसिफिकली उन लड़कियों के लिए है जिनका प्री ब्राइडल चल रहा है, जिनका LHR सेशन चल रहे हैं, विच इज लेजर हेयर रिडक्शन. मैंने भी अपने रोके से जस्ट कुछ टाइम पहले LHR के सेशन शुरू कर दिए थे और ये 6 या 7 महीने की सिटिंग होती है. तो जब मेरी शादी की भी शॉपिंग चल रही थी मैं तब भी लेजर हेयर रिडक्शन के सेशन लेती थी. नाउ क्या होता था, मैं जिस दिन भी ट्रायल के लिए जाती थी, मैंने 2 बार ये गलती करी है कि मैं ट्रायल के लिए भी जा रही थी और उससे पहले मैंने लेजर हेयर रिडक्शन का एक सेशन ले लिया. जब भी आप लेजर कराते हो 24 घंटे के लिए एटलीस्ट आपकी स्किन जो होती है वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, रेडनेस होने का चांस ज्यादा होता है. तो आपको उस टाइम अपनी स्किन को थोड़ा प्रोटेक्ट करके चलना है. तो जिस दिन भी आप लेजर हेयर रिडक्शन कराओ उस दिन एक्सट्रीमली धूप में मत घूमो, मार्केट्स मत जाओ, सन प्रोटेक्शन अपनी स्किन को अच्छे से दो. एंड उस दिन आउटफिट के ट्रायल मत रखना. मैंने 2 बार ये गलती करी थी और मेरी स्किन इतनी ज्यादा इची हो गई थी ना, वो तो थैंक गॉड उस टाइम थोड़ा गैप था शादी में तो उस टाइम तक हील हो गई. बट लास्ट मोमेंट पे मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी अपना लेजर हेयर रिडक्शन का भी जो लास्ट सेशन लेना ना वो शादी से 3 या 4 दिन पहले ले लेना ताकि आपकी रेडनेस थोड़ी कम हो जाए. उस टाइम कोई आउटफिट का ट्रायल मत लेना बिकॉज आउटफिट इतने ज्यादा सीक्वेंस हैवी वाले होते हैं, उसको पहनने के चक्कर में आपकी स्किन पर रैशेज या फिर इचीनेस हो सकती है. सो ये टिप बहुत जरूरी है उनके लिए जो अपना लेजर हेयर रिडक्शन सेशन शादी से पहले करवा के चल रहे हैं. टिप नंबर 4, हमेशा अपनी मेकअप आर्टिस्ट को पहले से बताओ कि मेरी ये स्किन टाइप है तो मुझे ऐसा ही मॉइस्चराइजर लगाना. लाइक अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई फील होती है या उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी स्किन पे ड्राइनेस फील हो रही है तो अपनी मेकअप आर्टिस्ट को बता के चलो कि देखो मेरी स्किन ड्राई ड्राई फील हो रही है, थोड़ा नरिशिंग मॉइस्चराइजर लगाना.
लगाना या फिर आपकी स्किन बहुत ऑयली है थोड़ा मैट मॉइस्चराइजर लगाना, बिकॉज आप जैसे ही जाओगे वो आपको 10 या 5 मिनट के लिए देख के नहीं बता सकती आपकी स्किन टाइप क्या है. तो ये चीज़ आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी अपनी मेकअप आर्टिस्ट को. दो मॉइस्चराइजर मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट रिकमेंड करने वाली हूँ जो आपने साथ रख सकते हो, जो आई थिंक सबको सूट करने वाले हैं, बिकॉज मेरे तो ये होली ग्रेल मॉइस्चराइजर है. सबसे पहला तो हर मेकअप आर्टिस्ट के पास होगा ही होगा, विच इज द एम्ब्रोलिस लेट कंसनट्रेट क्रीम, कुछ इस तरह से दिखती है. ये आप नायका से परचेज कर सकते हो, ये तो सारी मेकअप आर्टिस्ट यही लगाती हैं. सो इसका पहले से पैच टेस्ट करके देख सकते हो, आप अपने लिए ले लो, अपनी ब्राइडल किट में भी इसको डाल सकते हो. बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, इससे मेकअप भी अच्छा होता है, आपको बेस बहुत अच्छा मिलता है. बट ये अगर आपको सूट नहीं करता तो सेकेंड रिकमेंडेशन इज द सेरावी मॉइस्चराइजिंग क्रीम. ये भी ड्राई टू ड्राई स्किन के लिए है. आप देख सकते हो मैंने पूरी निचोड़ दी है, बट ये बहुत ब्यूटीफुली सूट करती है, स्किन को नरिश भी करती है लेकिन ग्रीसी नहीं बनाती. तो बेस का जो मॉइस्चराइजर है, बिकॉज आई थिंक मेकअप आर्टिस्ट और कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट आपके फेस पे लगाने वाली, मॉइस्चराइजर तो लगाएगी लगाएगी, तो ये चीज आप अपनी कैरी कर सकते हो जिसका आपको पता है शॉर्ट शॉर्ट आपको सूट करती ही करती है. नेक्स्ट स्टेप इज ऑल्सो लिंक. जब भी आप कोई लेजर हेयर रिडक्शन कराओ तो हमेशा कॉटन के कपड़े पहनो ताकि कम से कम रैशेज हो. और जब भी शॉपिंग पे जाओ आई वुड से ऑलवेज वेयर फुल स्लीव्स. अब तो वैसे भी थोड़ी ठंड आ गई है, लेकिन अगर आपकी गर्मियों की भी शादी है, कोई फ्यूचर में वीडियो देख रहा है, शॉपिंग के लिए जब भी जाओ लाइट लाइट कुर्ते खरीद लो. फुल स्लीव्स के कुर्ता आते हैं, 3-4 स्लीव्स के कुर्ते आते हैं जो कॉटन के होते हैं. उससे क्या होता है आपके हाथों की थोड़ी टैनिंग भी बच जाती है. और कैप, एक 40-50 रुपए की कैप ले लो, लोकल मार्केट में मिल जाएगी, मिनी सो बहुत सारे स्टोर्स पे मिलती है. कैप भी पहनो अगर आपको लग रहा है आप सुबह से शाम तक एक ऐसी मार्केट में जा रहे हो जिसमें आपको एक्सप्लोर करना है, चीज़ें देखनी है, धूप बहुत ज़्यादा है. SPF तो ऑफकोर्स अपना काम करेगी करेगी, लेकिन एक कैप पहनना बहुत जरूरी है. एक फिजिकल सन प्रोटेक्शन भी आपकी हो जाती है. कैप जितना आपको टैनिंग से बचाएगी ना, वो आई थिंक उतनी SPF भी नहीं बचा सकती. सो या डी टैन फ्यूचर में कराने से अच्छा अपनी शादी शॉपिंग के टाइम ही पूरा ध्यान रखो कि आपकी स्किन थोड़ी कवर्ड हो, और एक कैप हमेशा पहन के रखो. नेक्स्ट स्टेप इज फॉर ऑल द ब्राइड जिनकी ठंड में शादी है, बिकॉज जितनी ज़्यादा ठंड में शादी होती है लोग उतने ही गर्म पानी से नहाते हैं, उतने ही गर्म पानी से अपना फेस वॉश करते हैं. नहीं, एक्ने का सबसे बड़ा रीज़न भी पता है क्या होता है? गर्म पानी. जब हमें एक्सट्रीम गर्म पानी से नहाते हैं या फिर फेस वॉश करते हैं स्पेसिफिकली, देखो बहुत ठंड होगी तो मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ थोड़ा गर्म पानी से नहाना चाहिए, लेकिन फेस ऑफकोर्स आप नॉर्मल वॉश बेसिन में ठंडे पानी से धो सकते हो. अगर आप ठंडे पानी से ही फेस वॉश करोगे ना, ट्रस्ट मी, आपको एक्ने ब्रेकआउट्स कम से कम होंगे, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई खिंची खिंची फील नहीं होगी, आपका मेकअप बहुत अच्छा निकल के आएगा. सो जिस दिन भी आपका वेडिंग फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, उस दिन तो अच्छे से ठंडे पानी से फेस धोना, या फिर वो जो कैटरीना कैफ वाला मेथड होता है आइस बाथ वाला, कि आपने छोटे से बोल में बर्फ डाली, पानी डाला और एक आइस बाथ ली ताकि आपके फेस थोड़ा सा एकदम टाइटन अप हो पाए. आप आइसिंग भी हल्की हल्की कर सकते हो. फिर उसके बाद जब मेकअप करोगे ना, आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा, आपको एक्सट्रीमली स्वेटिंग नहीं होने वाली, ज्यादा ग्रीसी आपका बेस नहीं होगा, बहुत अच्छा फ्लॉलेस बेस आपका निकल के आएगा. सो कोल्ड वाटर हैज टू बी अ BFF. नाउ मोस्ट केसेस में इंडिया में ठंड में शादी होती है, बट स्टिल चाहे ठंड हो गर्मी हो, ब्राइड को तो टेंशन होती है काफी बार. टेंशन में, एंग्जाइटी में पसीने आने शुरू हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी स्वेटिंग फील होती है, फिर इतना हैवी ज्वेलरी आउटफिट होता है. आप क्लोज्ड रूम में बैठे होते हैं, जो ब्राइडल कमरे होते हैं ना छोटे छोटे, फिर वहाँ पे बहुत लोग आपको देखने आते हैं, काफी बार स्वेटिंग ठंड में भी हो जाती है. सो ऑलवेज कैरी अ मिनी फैन. छोटे छोटे फैन आपको लोकल मार्केट से मिल जाएंगे, मैं अमेजोन का भी लिंक नीचे डाल दूंगी अगर आप अमेजोन से लेना चाहते हो. छोटा सा फैन हमेशा अपने पास रखो, जस्ट कीप लाइक उसको हवा देते रहो अपने फेस पे, ताकि आपको एक्सट्रीमली स्वेटिंग ना हो, थोड़े बहुत पसीने भी आए ना थोड़ा सा मेकअप खराब हो जाता है, तो पसीने कम से कम आए उसका भी ध्यान रखो. सेकंड ऑप्शन इज ब्लोटिंग टिश्यू. हमेशा अपनी ब्राइडल इमरजेंसी किट में ब्लोटिंग टिश्यू रखो, जो बेसिकली एक अलग तरह के टिश्यू पेपर होते हैं जो आपका सारा स्वेट एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन मेकअप को नहीं हटाते. मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. मिस क्लेयर के आते हैं, बहुत सारी और ब्रांड्स के भी आते हैं. सो उसको खाली आपको डैब डैब करना होता है, उससे सारा आपका एक्सेस ऑयल भी निकल जाता है और आपका मेकअप भी इतना हिलता नहीं अपनी जगह से. नेक्स्ट स्टेप इज मोर लाइक अ बॉडी केयर टिप, बिकॉज हम फेस पे तो पूरा ध्यान दे देते हैं कि चलो स्किन केयर कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना, हम बेसिक चीज इग्नोर कर देते हैं, विच इज ज्वेलरी रिएक्शन. बहुत लोगों को ये होता है कि फेक ज्वेलरी पहनने से, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने से बॉडी पे रिएक्शन हो जाता है, रैशेज हो जाते हैं, रेडनेस हो जाते हैं. एंड वॉट इफ आप ज्वेलरी पहनो और उस दिन आपको एक या दो घंटे बाद इचीनेस होनी शुरू हो जाए और आप अपनी वेडिंग डे पे आधे टाइम ऐसे ऐसे करते रहोगे. सो क्या करो, जब भी आप ज्वेलरी खरीदो ना, खरीदने से बाद या फिर खरीदने के टाइम उसको थोड़ी देर पहन के रखो. ज्वेलर की शॉप पे जा रहे हो या फिर देख रहे हो, उसको थोड़ी देर लगा के रखो, 5-10-20 मिनट एटलीस्ट उसको अपनी बॉडी पे टच करके रखो. कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, कोई मेटल से एलर्जी तो नहीं हो रही, कोई इचिनेस तो नहीं हो रही, या फिर जो कानों में इयररिंग्स है वो बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी तो नहीं फील हो रहे. कानों के लिए तो आप ईयरलो स्टिकर्स ले सकते हो, बहुत अच्छे स्टिकर्स आते हैं, मैंने भी अमेजोन से मंगाए थे, मैं नीचे लिंक कर दूंगी. चेन से ऑफकोर्स आप एक होल्ड भी दे सकते हो, लेकिन एक स्टिकर्स भी आते हैं जो आप पीछे लगा दो और उसको जब पहनोगे तो इयररिंग का वेट आपके कानों पर इतना नहीं आएगा. लेकिन ज्वेलरी रिएक्शन चेक करना बहुत जरूरी है. अगर
थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गया ना तो यहाँ पे पूरा रेडनेस हो सकती है. सेम फॉर योर चूड़ा. चूड़ा इज समथिंग जो पंजाबी कल्चर में लॉन्ग टर्म के लिए पहना जाता है, लंबे टाइम के लिए पहना जाता है. तो ओवर एक्साइटमेंट में ऐसा कोई मेटल मत लेना जो आपको रिएक्ट कर जाए, जैसे इचनेस हो जाए. जब भी लेने जाओगे ऑफकोर्स चूड़ा जो होता है आप नहीं देख सकते, वो एक फ्रेश सेट होता है, लेकिन उसी का एक रेप्लिका जो होता है आप वो एक बार ट्राई करके देखो जो उसके अंदर मेटल है, उसको पहन के देखो कि क्या मैं उसको ईयर लॉन्ग पहन सकती हूँ, क्या मुझे कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, कोई इचनेस तो नहीं फील होगी. सो ये टेस्ट करना बहुत जरूरी है. बेसिक स्किन केयर के अलावा ज्वेलरी रिएक्शन, चाहे चूड़े का हो ज्वेलरी का हो, अच्छे से टेस्ट करके देखना ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े. नेक्स्ट स्टेप इज फॉर दोज जो फर्स्ट टाइम एक क्लिनिकल फेशियल लेने वाले हैं अपनी वेडिंग से पहले. काफी लोग होते हैं जो प्री ब्राइडल में एकदम शादी से 3 या 4 दिन पहले क्लिनिक में चले जाते हैं, फर्स्ट टाइम एक ऐसा क्लिनिकल फेशियल करा लेते हैं जो सूट ही नहीं करता, जिसका डाउन टाइम बहुत ज्यादा होता है, जिससे स्किन पर रेडनेस हो जाती है, रिएक्शन हो जाता है. तो इट्स बेटर उस टाइम रिस्क मत लो. आप जो फेशियल कराना चाहते हो ना शादी से कुछ दिन पहले, उसको एक बार 2 या 3 महीने पहले ट्राई करके देख लो, या फिर अपने कोई और कोई फंक्शन हो किसी और के फंक्शन से पहले एक बार ट्रायल लेके देख लो, ताकि आपको पता चल जाए अच्छा ये रिजल्ट दे रहा है फिर नहीं दे रहा है, इससे पर्जिंग तो नहीं हो रही, इससे मुझे एक्ने रेडनेस तो नहीं आ रही. शादी से 2 या 3 दिन पहले कोई नए फेशियल कराने का एक्सपेरिमेंट मत करना, बिकॉज यू रियली नेवर नो कि वो सूट करेगा फिर नहीं करेगा. तो अपना प्री ब्राइडल पैकेज जब भी बुक कराओगे उसमें जो मेन फेशियल वाला पार्ट होता है उसका एक छोटा सा ट्रायल पहले लेके देख लेना. एंड द लास्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये इतनी अंडर एस्टिमेटेड चीज़ें हम ध्यान ही नहीं देते और फिर हम प्रोडक्ट को ब्लेम करते रहते हैं कि हमने ये यूज़ कर लिया तो हमें एक्ने हो गए. काफ़ी बार हमारे टूल्स डर्टी होते हैं, कोई भी डर्टी मेकअप ब्रश, कोई भी डर्टी मेकअप ब्लेंडर शादी के टाइम नहीं यूज़ करना. शादी में थोड़े बहुत छोटे मोटे फंक्शन भी होते हैं, लाइक सुबह आपने खुद थोड़ा सा टचअप कर लिया, एक छोटा मोटा फंक्शन था तो आपने खुद ही ऐसे हल्का का मेकअप कर लिया और उस टाइम आपने एक डर्टी ब्रश यूज़ कर लिया. सो आई वुड से जब आपका शादी का मंथ होता है उस पूरे टाइम कोई भी ब्रशेज गंदे मत यूज़ करो, कोई ब्लेंडर गंदा मत यूज़ करो, या फिर आप अपना खुद भी अगर छोटा मोटा फंक्शन का मेकअप करने वाले हो ना तो ब्रशेज का एक अलग से फ्रेश सेट रखो, उसको क्लीन करके रखो. काफ़ी बार आपको प्रोडक्ट रिएक्शन स्किन केयर या फिर मेकअप की वजह से नहीं होता, डर्टी टूल्स की वजह से हो जाता है. सो जब भी आप शादी से पहले जो भी मेकअप हल्का फुल्का अगर करते हो, आपको ऑफिस जाना है कहीं पर भी जाना है, हल्का फुल्का अगर मेकअप करते हो ना तो कोशिश करो उसको हाथ से करो. कोई ब्लश लगाना है ट्यूब वाला ले लो, कोई हाईलाइटर लगाना है ट्यूब से लगा लो, फाउंडेशन हाथ से ब्लेंड करने की कोशिश करो. मैं भी जब कम से कम ब्रशेज यूज़ करती हूँ ना, वो जो छोटे छोटे कॉमेडॉन्स होते हैं ना दाने, वो कम से कम होते हैं. मेजर रीज़न हमारी स्किन पे कॉमेडॉन्स होने का वो ब्रशेज ही हैं, बिकॉज हम डर्टी कोई भी अगर ब्रश उठा के यूज़ कर लेंगे तो फटाफट से आंख में आ जाएंगे. एक और एडिशनल टिप मैं देना चाहती हूँ जो मेरे नोट्स का पार्ट नहीं है लेकिन मुझे इंस्टेंटली याद आया, विच इज़ फेशियल हेयर. काफ़ी लड़कियाँ कहती हैं हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फेशियल हेयर हैं, पीच फस बहुत ज़्यादा है या फिर अपर लिप्स बहुत ज़्यादा है. अगर आप सबसे बेस्ट मेरे से पूछोगे इट हैज़ टू बी फेशियल रेजर्स, जो फीमेल रेजर्स आते हैं उससे रिमूव करना इज द बेस्ट ऑप्शन. करना आता है तो ही करना, और करना भी चाहते हो तो पहले अगेन एक ट्रायल लेके देखना, 1 या 2 महीने पहले करके देखो कि आपसे सेफली हो रहा है नहीं हो रहा. काफ़ी लड़कियाँ एकदम शादी से पहले एकदम ओवर एक्साइटेड होकर सारा साइड के पीच फस खुद ही हटा देती हैं, रेजर को पकड़ने का तरीका नहीं पता होता है, एक एंगल नहीं पता होता, कट आ जाता है, फिर कोई रिएक्शन हो जाता है. तो ये चीज़ें पहले ही करके रखो. अगर आपको आईब्रोज अपर लिप्स बनवाने वी आर थ्रेडिंग भी अगर करानी है ना, तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन फंक्शन आप उस दिन ही थ्रेडिंग करा रहे हो, कोशिश करो थोड़ा टाइम पहले करा लो ताकि उस दिन वो जो थ्रेडिंग की रेडनेस है, जो भी ऐसे बर्निंग काफ़ी बार फील होती है ना, वो कम से कम हो. और जब भी आप थ्रेडिंग कराओ फटाफट से ठंडा ठंडा एलोवेरा जेल लगा लो, वहाँ पे फ्रिज में रख के जाना, घर आते ही फटाफट लगा लेना ताकि वो एरिया पूरा सूद हो जाए, कोई भी तरह का रेडनेस या छोटे छोटे बम्स होते हैं ना वो ना हो. सो फेशियल हेयर का जो रिस्क है ना वो पहले से ही लेके चलना कि आपको किस तरीके से हटाने हैं. ब्लीच करनी है तो ब्लीच का टेस्ट करके देखना, रिमूव करना तो उसको रिमूव करके देखना, कोई एपिलेटर यूज़ करना तो वो भी पहले से ही टेस्ट करके देखना. बेसिकली द थिंग इज लास्ट मोमेंट पे कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना. दीज वर सम गोल्डन टिप्स रिलेटेड टू ब्यूटी एंड स्किन केयर फॉर ऑल माई ब्राइड टू बीज. अगर इसके अलावा कुछ और ऐसा पॉइंट है जो आपने एक्सपीरियंस किया, आपके साथ कुछ मिसहैप हुआ है या फिर आपने कोई मिस्टेक गलती या फिर कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो जो इसके अलावा कुछ अलग एक पॉइंट है, प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर डालना. मेक द कॉमेंट सेक्शन इन्फॉर्मेशनल एज वेल ताकि लोग पढ़े तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले. एंड जस्ट इन केस यू आर ब्राइड टू बी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, कॉमेंट डाउन बिलो विद एनी इमोजी दैट येस वी आर द ब्राइड टू बी. कॉमेंट डाउन हार्ट, हार्ट जो जो डालेगा नीचे कॉमेंट्स में समझ जाऊंगी कि वो सारी ब्राइड टू बी इधर इनकी फ्यूचर में या फिर जल्दी जल्दी शादी होने वाली है. एंड जस्ट इन केस आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी विच हैज लॉट ऑफ अदर ज्ञान रिलेटेड टू ब्राइडल शॉपिंग एज वेल, वो भी आप देख सकते हो. मैं सारी वीडियोज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ब्राइडल शॉपिंग, लहंगा हंट या जो मैंने भी रिसेंटली बनाई थी, ब्राइडल किट में क्या क्या होना चाहिए, मेकअप किट कैसे बनानी चाहिए ब्राइड टू बी, इसको सारी मैंने वीडियोज बनाई हुई है. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक्स डाल दूंगी, जरूर चेक करना. और यहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, यू कैन डेफिनेटली वॉच इट. एंड या दैट इज टुडेज वीडियो. द मेन पॉइंट इन दिस वीडियो इज
जस्ट बी हैप्पी. कुछ भी हो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे लगा ही रहता है. परफेक्ट किसी की वेडिंग नहीं होती, परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता. थोड़े बहुत इम्परफेक्शन होते हैं, थोड़े बहुत मिसहैप्स होते हैं, कुछ नहीं होता. द मेन थिंग इज यू एंजॉय योर ओन वेडिंग. ज़्यादा टेंशन लेनी, ज़्यादा सोचना नहीं है, जस्ट बी हैप्पी एंड एंजॉय. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.